नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों के अलावा आपकी सेहत से जुड़ी हुई जानकारी को, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, यहां पर जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है इसरो की तरफ से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इस साल सेना को समर्पित 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने वाला है। इसमें से पहला सैटेलाइट सितंबर में जबकि दूसरा सैटेलाइट साल के अंत में भेजा जाएगा। सेना की ताकत में इजाफा करने के लिए साथ ही देश की थल और समुद्री सीमा को सुरक्षा में इन दोनों सैटेलाइटों की अहम भूमिका होने वाली है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि सितंबर में भेजे जाने वाला GSAT-7A सैटेलाइट भारतीय वायुसेना के लिए होगा। GSLV-MK2 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में इसे भेजा जाएगा। यह भारतीय नौसेना के लिए भेजे गए सैटेलाइट रुक्मणि या फिर GSAT-7 से मिलता जुलता होगा। रुक्मणि के जरिए हिंद महासागर में विशेष तौर पर चीन के जंगी जहाजों पर नजर रखने में नौसेना को काफी मदद मिल सकती है, इसलिए इसे आकाश में नौसेना की आंख भी कहा जा सकता है। GSAT-7A से वायुसेना को रडार स्टेशन, सैन्य ठिकानों और अवाक्स हवाई जहाजों के तालमेल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस साल के आखिरी तक सेना के लिए भेजे जाने वाला दूसरा सैटेलाइट होगा RISAT-2A। जी हाँ, इसरो इसे PSLV रॉकेट के जरिए भेजेगा। ये आधुनिक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होगा जिसे देश की सीमाओं की निगरानी में मदद मिलेगी। जमीन पर बारीक नजर रखने के साथ इससे मौसम की जानकारी भी पाई जा सकेगी। इन दो सैटेलाइटों के अलावा 800 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी लागत वाला चंद्रयान 2 पर भी काम कर रहा है। चंद्रयान 2 इस साल अक्टूबर में लॉन्च किया जाना है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है Dakota DC-3 विमान को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि Dakota DC-3 यान एक बहुउपयोगी परिवहन विमान रहा है। 1988 तक ये वायुसेना में शामिल रहा। 1940 का Dakota DC विमान शीघ्र ही अब वायुसेना में शामिल होने वाला है। ये विमान अपने समय का अत्यंत बहुउपयोगी परिवहन विमान था। इस विमान को 2011 में स्क्रैप में हासिल किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लेकर। जी हाँ, भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारतीय और चीनियों को एक दूसरे की भाषाओं को सीखने की अपील की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन में हिंदी फिल्मों को मिल रही लोकप्रियता पर भी खुशी जताई। उन्होंने कहा है कि चीन में भारतीय फिल्में लगातार लोकप्रिय हो रही हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को बीजिंग पहुंची थी। रविवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक पे उन्होंने इस बात को कहा था। साथ ही देश में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक समस्याओं जैसे मुद्दों पर भी साथ काम करने के लिए दोनों देशों ने सहमति बनाई है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कि भाषा सीखने का जो सुषमा स्वराज का बयान है कि भारत और चीन के लोग एक दूसरे की भाषाएं सीखे, ये कितना हद तक ठीक है, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है कि भारत अब अपने पड़ोसी देशों को भी हथियारों को निर्यात करेगा। भारत हथियारों के मामले में अब तेजी से निर्यात करने वाला देश बन रहा है। सूत्रों की माने तो रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सशस्त्र बलों से पुराने सैन्य उपकरणों की एक सूची बनाने को कहा है। इन हथियारों को न्यूनतम लागत पर नया व रिफर्बिश किया जाएगा और इसे दोस्ताना देशों को उपहार के रूप में दिया जाएगा। भारतीय सेना के कुछ हथियारों को चुना जा रहा है जिन्हें जल्द ही उपयोग से बाहर कर दिया जाएगा या उन्हें बाहर किया जा चुका है। जैसे बंदूकें, बख्तरबंद वाहन, हेलीकॉप्टर, नौसेना की गश्त वाहन, रडार सिस्टम हथियारों की सूची में शामिल है। हालांकि अब तक भारत अफगानिस्तान को 3 MI-25 हेलीकॉप्टर्स को तोहफे में दे चुका है। अफ्रीका, मध्य एशियाई गणराज्य और प्रशांत और एशिया प्रशांत जैसे कुछ देश को भारत इस तरीके के हथियारों को दे चुका है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है स्पेस से जुड़ा हुआ। दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मंगल ग्रह पर लगभग 3.5 अरब साल पहले झीलें थी जो कि बाद में सूख गई। क्या है इस बारे में पूरी रिपोर्ट, चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने हाल ही में दावा किया है कि मंगल ग्रह की सभी झीलें करीब 3.5 अरब साल पहले सूख गई थी। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने लाल ग्रह की सतह पर मौजूद लंबी दरारों का अध्ययन किया और इसके बाद ये दावा किया गया है। इन दरारों की खोज अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने 2017 में शुरू की थी। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में प्राचीन काल में पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह के मौसम से जुड़ी जानकारियों पर से भी पर्दा उठाया है। वैज्ञानिक नैथनील स्टीन का कहना है कि ये दरारें झील के किनारों की जगह उनके केंद्र के नजदीक स्थित हैं। इससे स्पष्ट है कि समय के साथ इन झीलों के स्तर में उतार चढ़ाव आया होगा। जियोलॉजी जर्नल में प्रकाशित इस शोध के अनुसार पृथ्वी की तरह मंगल के झरने भी एक तरह के चक्र का पालन करते थे। इस अध्ययन में लाल ग्रह पर मौजूद झील की प्रणालियों के विषय की जानकारी भी सामने आएगी। स्टीन का कहना है कि ये अध्ययन क्यूरियोसिटी रोवर के मिशन का दूसरा अध्ययन है।
दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि करीबन 3.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह की झीलें पूरी तरह से सूख गई थी। क्यूरियोसिटी रोवर अपने दूसरे चरण पर भी काम कर रहा है और इस चरण में वहाँ पे सूक्ष्म अध्ययन करने वाला है। दोस्तों इस अध्ययन के बारे में आप लोग क्या कहते हैं जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपकी सेहत से जुड़ा हुआ। दोस्तों ठंडे पानी से स्नान करने से कई फायदे मिलते हैं। जी हाँ, इससे हमारे शरीर में खून का संचालन तेजी से होने लगता है जिसकी वजह से हमारे शरीर से कई रोग दूर हो जाते हैं। यही नहीं, कई रोगों से बचाव के साथ साथ हमारे शरीर को निरोगी भी बनाकर रखता है ठंडे पानी से नहाना। अगर इसके विपरीत देखा जाए तो जो लोग नियमित रूप से गर्म पानी से स्नान करते हैं तो उनकी त्वचा पर खून का संचार कम हो जाता है जिससे बाहरी त्वचा के समीप रक्त की कोशिकाएं कमजोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी से स्नान करने से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ जाता है, अतः आपको रोज प्रतिदिन ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। ठंडे पानी से स्नान करते समय पहले सर पर पानी डालना चाहिए, फिर शरीर के बाकी हिस्सों पर। स्नान करने में जल्दबाजी ना करें बल्कि आराम से आपको अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर स्नान करना चाहिए। ध्यान रहे कि जो लोग बूढ़े हैं, कमजोर हैं व रोगग्रस्त व्यक्ति हैं अथवा छोटे बच्चे हैं उनको अधिक ठंडे पानी से ना नहलाएं। तो दोस्तों इस तरीके से ठंडे पानी के भी बहुत फायदे होते हैं नहाने के। दोस्तों यदि आपका वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका जवाब है जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस्त को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोज की लेटेस्ट जानकारी पाएं।